तो ये है 40 साल पुरानी तस्वीर। हे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं V4 वीडियोस और आज का वीडियो बेहद ही खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एक बाबा आदम के जमाने के केबल फैन को आजकल के लेटेस्ट केबल फैन से। और ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि दोनों फैन उषा कंपनी के ही है। ये फैन 1980 का है और ये फैन 2020 का है, यानी कि दोनों फैन की एज में 40 साल का डिफरेंस है। यानी कि हो सकता है आपके पापा की एज भी 40 साल के आसपास ही हो, अगर है तो कमेंट में बताना। तो भाई, आज का कंपैरिजन सच में एकदम यूनिक है, शायद ही किसी ने किया होगा। और हम लोग इन दोनों फैन के कंपैरिजन को चार पॉइंट में करेंगे। नंबर एक, भाई दोनों फैन के लुक वाइज। नंबर दो, दोनों फैन के पावर कंजम्पशन वाइज। नंबर तीन, दोनों फैन के वेट वाइज, यानी कि इस फैन का वेट कितना है और इस फैन का वेट कितना है। नंबर चार, ड्यूरेबिलिटी वाइज। तो भाई ये कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि भाई यहाँ पे 40 साल पुराना हाथी बैठा है और ये जस्ट अभी आया हुआ बेबी है। पता नहीं दोनों में कितना डिफरेंस है, वो आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करेंगे किसके वाइज, तो सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों फैन के लुक वाइज। तो चलिए देखते हैं दोनों फैन के लुक में कितना डिफरेंस है, एक 40 साल पुराना और ये बिल्कुल नया। तो भाई ये है अपना नया उषा का फैन। इसमें स्पीड कंट्रोल के लिए 1 से 0 से 3 तक का बटन है, 1 सबसे फास्ट है, 3 सबसे स्लो है। लुक वाइज तो काफ़ी सही लगता है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। ये 55 वाट पे काम करता है और 1280 का RPM है। ये फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा करीब 1600 से 2000 रुपये के बीच में। मैं इसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर आपको ज़रूरत है तो आप लोग ले भी सकते हैं। और भाई ये है अपना उषा का 40 साल पुराना फ़ैन। इसमें रेगुलेटर लगा है गोल वाला घुमाने वाला और इसका लुक तो देख लो क्या हालत हो गई है इसकी, अभी तक ये जिंदा है यही बहुत बड़ी बात है। और आज तक कभी भी इसकी मोटर ख़राब नहीं हुई है। देखो किस तरीके से पत्तियों से जोड़ के इसे यूज़ किया जा रहा है, यहाँ तक इसमें लकड़ी का भी सहारा लिया गया है। तो अब इसका वेट टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना नया वाला फ़ैन, इसका वेट है 3 किलो के आसपास। ये देखो आप लोग, क्योंकि इसमें प्लास्टिक का यूज़ किया गया है बहुत ज़्यादा। और इस 40 साल पुराने फैन का वेट है, आपको क्या लगता है कितना होगा? तो इसका वेट है 9 किलो, 3 गुना ज़्यादा नए फैन से, पुराने सामान्य भारी तो होगी ही। तो दोस्तों चलिए अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं पावर कंजम्पशन वाइज। वैसे आपको क्या लगता है कि भाई पुराना पंखा जो कि 40 साल पुराना है कितने वॉट कंज्यूम करता होगा? अपना अनुमान कमेंट में बताए, देखो तो कितने लोगों का अनुमान सही निकलता है। कमेंट कर दिया तो फटाक से पावर कंजम्पशन चेक करते हैं अपने पुराने फैन का। और ये माइक्रो पावर मॉनिटर से हम लोग चेक करेंगे। ये गया मेन प्लग में और पंखे का प्लग गया अपने इस माइक्रो पावर मॉनिटर में। और मैं आपको और भी पास से दिखाता हूँ, तो आप लोग देख लो हमारा पुराना पंखा कंज्यूम कर रहा है 55-54 वॉट के करीब फुल स्पीड में। अभी हम लोग चेक करते हैं नया फैन कितने वॉट कंज्यूम कर रहा है। तो ये गया नए फैन का प्लग माइक्रो पावर मॉनिटर में फुल स्पीड में और नया फैन कंज्यूम कर रहा है फुल स्पीड में, आप लोग देख लो करीब 43 वॉट, यानी कि केवल नए और पुराने फैन में 7 वॉट का डिफरेंस है। और वो भी इसलिए होगा क्योंकि इसमें प्लास्टिक का ब्लेड लगा हुआ है। तो देखा आप लोगों ने 40 साल और नए फैन की पावर कंजम्पशन में बिल्कुल ना के बराबर ही डिफरेंस है ना कमाल। और दोस्तों अब बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो भाई 40 साल से चलता आ रहा है और आज तक कभी भी खराब नहीं हुआ है। तो ये है पुराने पंखे की पावर और ये है पुराने पंखे की ड्यूरेबिलिटी। ये तो अभी नया आया है, इसे यूज़ करने पर ही मालूम चलेगा। तो भाई इस तरीके से हमने चार पॉइंट्स पे कंपेयर किया अपने दोनों फैन को। वैसे मैंने इसकी रसीद भी ढूंढने की कोशिश करी ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि वाकई में 40 साल पुराना है, तो मुझे एक रसीद मिली, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। तो दोस्तों जो मुझे रसीद मिली वो इसी के साथ खरीदे गए दूसरे फैन की थी, जो सीलिंग फैन नहीं आता है उसकी, इस वाले फैन की रसीद थी। लेकिन वो वाला फ़ैन भी इस रसीद वाले फ़ैन के 2-3 दिन बाद ही खरीदा गया था, ऐसा मुझे घर वालों से पता चला है।
तो वैसे क्या आपके पास भी इतना पुराना फैन और उसकी रसीद है? अगर है तो कमेंट में बताना। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन दोनों फैन के बीच में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही।